राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ की ओर से आज कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कमीशन बढ़ाने की मांग की है। अधिकृत राशन विक्रेताओं का कहना है कि लगातार हुई कटौती के चलते राशन डीलर के परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राशन डीलर का कमीशन प्रति क्विंटल पर 300 रुपए होना चाहिए, जिससे कि वह अपने परिवार को चला सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राशन डीलर ऑनलाइन हुई व्यवस्था को चला रहा है, लेकिन सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही। पोस मशीनें भी खराब है, उनका मेंटेनेंस भी सरकार व प्रशासन नहीं करा रहा, साथ ही कटौती भी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन सभी मांगों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है, जिससे कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जा सके। हमारा राशन डीलरों का भरण पोषण नहीं हो रहा है, जो अभी कमीशन मात्र मिल रहा है उसके अंदर हमारे बहुत कम पड़ता है, इसलिए हमने सरकार से 300 रुपये क्विंटल की प्रति मांग की है। और जो 5 रुपये 71 पैसे जो हमारे कमीशन के पोस मशीन के कट रहे हैं, उससे वो पैसा हमारा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मशीन का पूरा कमीशन है 125 रुपये के हिसाब से। जिनके मशीनें पूरी पूरा पेमेंट हो चुका है उनको 125 रुपये मिल रहे हैं, जिनका अगर कम है तो उसको मेंटेनेंस के रूप के अंदर हमारा यह पैसा काट रहे हैं, जबकि मेंटेनेंस भी पोस मशीन का सरकार का ही होता है। तो हमारे सरकार से मांग है कि जो हमारे 300 रुपये कमीशन कम से कम किया जाए, क्योंकि हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। और राशन डीलरों के लिए पोस मशीन की जो रिपेयरिंग के लिए है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक कोई टेंडर नहीं दिए गए, तो उस मशीन के लिए हम कहाँ कहाँ लेकर के उसको भटके ठीक कराने के लिए। विभाग को कई बार हमने अवगत करा चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से कि भाई हमारे पोस मशीनें जो ख़राब हो चुकी है उसको ठीक कराई जाए, और हमारे को मतलब ये तो नई मशीनें दिलाई जाए, या फिर इसको रिपेयरिंग के लिए ठेका दिया जाए। ठीक है, आपका नाम बताएं। कन्हैयालाल कुमावत, जिलाध्यक्ष सचिव।